guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and this class all about MA English exam preparation. The last preparation done here, sir. And we guys have the exam from the 1st of June. Normally, काफी सारे students हैं जो question लेके आ रहे मेरे पास, especially the certain university जो highlight करती हैं कि last आप बच्चे preparation कर रहे हो, उनको पता था कि कल exam होने वाला है, तो अब कैसे prepare करेंगे? Definitely काफी सारे worries हैं. मैं वीडियो बनाने का रीजन सिर्फ इसलिए था कि मेरे पास आज कुछ स्टूडेंट्स आए जो कि इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स हैं जिनकी डेट शीट आ चुकी है, दे हैव एग्जाम ऑन 11th एंड यस्टरडे दे फाउंड आउट कि यार सर कल पेपर है हमारा एंड हाउ आर गोइंग टू प्रिपेयर. सीरियसली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द लास्ट, यस द लास्ट ऑफ प्रिपरेशन. आपने कहा लास्ट ऑफ प्रिपरेशन किन के लिए? सर ये यशवंत राय यूनिवर्सिटी नासिक की बात करूं या मैं इग्नो यूनिवर्सिटी की बात करूं या मैं एमडी वालों की बात करूं, नॉट अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टू, काफी सारे स्टूडेंट है, काफी सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं. तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, आज हम सिर्फ एक स्पेसिफिक टर्म या मास्टर्स या इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नली कि एग्जाम से पहले कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स. यस दिस इज ऑल अबाउट लिटरेचर स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले कैसे प्रिपेयर करेंगे. When they know that they are having no time, there is a time nahi hai and they have to crack the paper and that too with a good marks. तो क्या strategy रहना चाहिए सर, कौन कौन सी चीजें beginning से last तक लेके चले ताकि हम चीजों को बहुत easily clear कर पाए. चलो यार jump करते हैं. तो first half पे जो आपको clear करना है, सबसे पहले काम करो आप previous year question उठाओ. Honestly, I do tell you what the previous year question उठाओ. So we have prompt series, we have prompt. हमारा course change हुआ है. हमारा कोर्स चेंज हुआ लास्ट ईयर, तो वी डोंट हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये प्रॉब्लम है काफी स्टूडेंट्स के साथ, सीरियस ये प्रॉब्लम है काफी स्टूडेंट्स के साथ कि कह रहे सर कोर्स चेंज हुआ, सर हमारा एग्जाम पैटर्न है, चीजें बदलेंगे, तो अब कैसे प्रिपेयर करें. जो मैंने अभी बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, वो एक नॉर्म था उनके लिए जिनका पैटर्न एक ही है, जिनका कोर्स कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया. बट अगर कोर्स कंटेंट चेंज हो गया, चीजें बदल चुके हैं, तो सर क्या करेंगे सीरियसली एट दैट मोमेंट, व्हाट विल गोइंग टू डू. तो कुछ मत करो, मेरी वीडियोस को फॉलो करो. मैंने हर टॉपिक पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वेदर यू डूइंग एमए इंग्लिश फ्रॉम इग्नो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यशवंत राय यूनिवर्सिटी, या मैं बोलूं नासिक यूनिवर्सिटी, या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, या एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, सीरियसली वेदर जेएनयू, वेदर जामिया, वेदर बीएचयू, कोई भी यूनिवर्सिटी, हर किसी के लिए मैंने टॉपिक डाला हुआ, पेपर वाइज वीडियोस डाले हुए हैं, उनको फॉलो करो. उसमें मैंने कोर्स कंटेंट के हिसाब से प्रिपरेशन की हुई है. आपने करना क्या है गाइस, डू फॉलो योर कोर्स कंटेंट. नाउ अब पहली चीज आ गई, फॉलो योर कोर्स कंटेंट. जो आपका कोर्स कंटेंट है उसको पहला पूरा देखो, ये हमारा कोर्स कंटेंट है, मुझे इसके ऊपर काम करना है. एंड देन डू वन थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, नो द वे ऑफ राइटिंग. यस द राइटिंग दैट इज द की. राइटिंग इज द की, तो उसमें हमें कहां काम करना होगा. We guys need to understand कि writing हमेशा काम करती है. Writing जितनी perfect होगी उतना easy होगा. Writing का मतलब मैंने spelling या मैं बोलूं कि कितनी presentable है वो नहीं बोला. This is the way you write down the answer. That is all about writing. Yes, writing का मतलब है the way we present our answer. उस पे काम करना है. वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज. मतलब मेरे का आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, हाउ आई एम गोइंग टू राइट माय आंसर. एज द ऑनलाइन बैचेस गोइंग ऑन, तो काफी सारी चीजें दिमाग में आती हैं. सर ये ऑनलाइन जो बैचेस चल रहे हैं इनके अंदर जो आप क्लास बताते हो, क्या इसमें आप राइटिंग बताते हो? जो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं सीरियसली वो जानते हैं कि मैं उसमें एक एक चीज को क्लियर कराता हूँ और आपको भी एक चीज बताता हूँ. बेसिकली राइटिंग का तो ना हमें एसीटी को फॉलो करना था. वी गाइस नीड टू फॉलो एसीटी. सही है, एसीटी है क्या? एनालाइज द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है उससे रिलेटेड आंसर देना, सिर्फ उससे रिलेटेड आंसर देना, ना इधर ना उधर. यू गाइस नीड नॉट टू डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. जो पूछा गया है उस पर काम करेंगे. नंबर टू, सीरियस दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. वो क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट, उसका एक बेस क्रिएट करना. आपने अपना जो आंसर लिखा है उसका एक बेस, एक प्लेटफॉर्म तैयार करो. सीरियस उस प्लेटफॉर्म पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट हाउ वी गाइस गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, चीजों कैसे क्लियर करता हूँ, बड़े इजीली कैसे इन्फ्लुएंस करना है रीडर को ताकि हमारे आंसर को लास्ट तक पढ़े. एंड थर्ड पॉइंट दैट इज की, दैट इज टेक्स्ट. क्योंकि आपको अपने आंसर को लेंथ भी देनी है. यू गाइस नीड टू गिव द लेंथ टू योर आंसर. पहला पॉइंट, हमें पता है क्या करना है, कहां से शुरू करना है. सेकेंड देखो, ये तो हो गया कोर्स कंटेंट को समझना, आंसर राइटिंग में आना. सेकेंड थिंग सीरियसली दैट यू गाइस नीड टू डू टेक केयर ऑफ वर्ड लिमिट. आई रिपीट, डू टेक केयर ऑफ वर्ड लिमिट एंड टाइम.
वर्ड लिमिट एंड टाइम, इन पे ध्यान देना आपको। यू गाइस नीड टू टेक केयर कि वर्ड लिमिट क्या है, टाइम कितना देना है। कई स्टूडेंट जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्या करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पहले उठाते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन में सब कुछ आता था, हम सब कुछ एड ऑन कर देते हैं, हम सब कुछ लिखना शुरू करते हैं, जो भी चीजें हमारे दिमाग में हम लिखते जाते हैं। We just forget कि भाई ये शॉर्ट आंसर है, ये डिटेल आंसर नहीं है, और जब तक डिटेल आंसर में आता है तब तक टाइम खत्म हो चुका होता है। ये चीज सबसे जरूरी है, आपको आंसर लिखते हुए ध्यान रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही लिखना है। दैट इज मोर देन इनफ, कि अगर आप उसे एक पेज दे दो, वन पेज इज मोर देन सीरियस, वन पेज इज मोर देन, तो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, आप उतना ही दो ना जितनी जरूरत है। भाई राइटिंग मुझे ये भी आता, मुझे वो भी आता, मैं सब कुछ लिखते जाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके आंसर पर इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, सीरियस आपके मार्क्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। आपको ये चीज़ दिमाग में रख लेनी है कि मुझे क्या लेना है, कैसे प्रेजेंट करना, उस आंसर को लिखने का तरीका क्या होगा। काम ऑफ नेक्स्ट वन, सर फर्स्ट आप हमने बोला कोर्स कंटेंट क्लियर करेंगे, राइटिंग पर ध्यान देंगे, वर्ड लिमिट का ध्यान देंगे, टाइम का ध्यान देंगे। सर मेजर चीज़ पर आते हैं, कोर्स कैसे कंप्लीट करें यार, ये सारी चीज तो बात की बातें हैं, अब आते हैं कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे, हाउ विल गाइस गोइंग टू क्लियर द कोर्स, कोर्स को करने का तरीका क्या होगा। तो भैया आ जाओ पहले बेसिक पे, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करो, फर्स्ट सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते जाओ प्लेलिस्ट पे, आपके पेपर की प्लेलिस्ट है, सीरियसली पेपर की प्लेलिस्ट है, पेपर की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही सर, हमारे पेपर की प्लेलिस्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना टॉपिक करो उसकी वीडियो मिल रही है, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, वीडियो को करो, देखना शुरू करो, हाथ में को पेन और नोटबुक, और जो बेसिक टॉपिक्स बोल रहा हूँ उस वीडियो में उनको अंडरलाइन करो, उनको दिमाग में रखो कि ये टॉपिक्स हमें ऑन टिप होने चाहिए, अगर ये टॉपिक ऑन टिप है तो मैं पेपर में आंसर दे पाऊंगा। दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू, कहता ऑलवेज गिव मेजर स्ट्रेस टू द मेजर टॉपिक्स, 100 के 100 नंबर का पेपर इंपॉर्टेंट नहीं होता, पेपर में 100% पार्ट दिया तो 100% में कुछ 60-40% ऐसा होता है जो 90% कोर्स कंटेंट कवर करता है पेपर का, पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि यार ये मेजर चीज तो बार बार पूछी जा रही है, उसके ऊपर काम करो। यस यू गाइस नीड टू वर्क ऑन दैट, उसको क्लियर करो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जहां वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, जहां वो टॉपिक आपको क्लियर है, अब आप कुछ भी कर सकते हो, अब आप कोई भी आंसर दे सकते हो, देयर बी नो प्रॉब्लम, देयर बी नो इश्यू एट ऑल, अब बड़े इजीली चीजों को डिलीवर करोगे एंड यू गेट द बेसिक्स व्हाट यू वांट। अब आ गए नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज द लास्ट सजेशन, सीरियसली लास्ट सजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपने कहा इस वीडियो में काफी सारी डिस्कशन की, सर हमने पहले जाना कि हमारा कोर्स कंटेंट अगर चेंज नहीं हुआ, कोर्स कंटेंट वही है फ्रॉम द लास्ट सेवरल इयर्स, तो हम क्या करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उठाएंगे जिनसे हम देखेंगे भाई ये क्वेश्चन रिपीटेड वे में पूछे जा रहे हैं, इनको लेके चलना है, इनको पहले क्लियर करना है। क्वेश्चन की वर्डिंग डेफिनेटली चेंज होती है लेकिन टॉपिक्स वही रहते हैं, तो टॉपिक्स पे काम करो और टॉपिक्स क्लियर करो, ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को परफेक्शन लेके आते हैं एंड वी विल गोइंग टू क्लियर द थिंग्स। नंबर टू, अगर कोर्स कंटेंट चेंज हो गया, खुदा का सब भगवान ने क्या किया, आपका कोर्स ही चेंज कर दिया, कोर्स नहीं आ गया, तो फिर क्या करना है, फिर आपको गर्ड्स पे जाना पड़ेगा, अपने गेस्ट वर्क पे जाना पड़ेगा, अपने टीचर जिनको आप फॉलो करते हो, अगर आप मुझे भी करते हो तो उनके इंपॉर्टेंस पे जाना पड़ेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमें क्लियर करना है, उनको क्लियर करो, अपने राइटिंग स्टाइल पे वर्क करो कि मोर प्रिसाइज वे में जितना अच्छे लिख पाएंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। Then, word limit का ध्यान रखना, seriously, that is the key. Word limit अगर गलत है तो गड़बड़ हो जाएगी guys. We need to understand कि word limit क्या है, word limit का काम कैसे करना है, and then, कौन से एरिया पे सबसे ज्यादा टाइम देना है, कौन सा मेजर इश्यू है, कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आपने लेके चलना है। लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर परसों पेपर है तो आज से आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, सब पढ़ना ही शुरू आज करें तो फिर कैसे लिखेंगे आंसर, पढ़ना शुरू किया ना आज, इट डजंट मीन कि आप परसों तो पढ़ते ही रहोगे, आज जो आपने टॉपिक लिख लिया उनको लिख के देखो, क्योंकि एग्जाम में आप लिख के आएंगे, आपने बोल के नहीं आना, यू गाइस नीड टू राइट ऑन आंसर इन एग्जामिनेशन पेपर, कि उस पेपर जो आंसर लिखोगे एग्जाम में उसी को रीड करेगा, अगर वो कन्विंस करेगा उसको तो डेफिनेटली गोइंग टू गिव द मार्क्स। तो काफी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर कैसे आंसर लिखें कि टीचर हमें नंबर दे दे,
मतलब ऑनेस्टली कौन सा आंसर किस तरह से आंसर लिखे जाए कि टीचर आपको नंबर देगा ही देगा, 100% नंबर देगा। इसके लिए एक शॉट दूंगा, आज दूंगा, सीरियसली उस शॉट को फॉलो करना। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।